आपको एक योजना है इन्होंने चलाई है जी, 4 साल नौकरी देंगे फौजी को, अग्निवीर बनाई है। एक चीज बताओ, ये लड़का अभी खड़ा हुआ है, 4 साल के लिए मिलिट्री में जाएगा, सपोज करना 4 साल, चौथी साल जब इसके लास्ट होगी ना, 1 महीने रह जाएगा ये बॉर्डर पर खड़ा होगा। अब ये कहेगा मेरी तो नौकरी खत्म है जी, उधर से आतंकवादी आएगा, आतंकवादी आएगा कहेगा भैया 2 करोड़ ले ले मुझे घुस जान दे, तो कहेगा मेरी तो ससुरे जा ही रही है, तू घुस जा ले ले कर चला आएगा घर। काहे की अग्निवीर रही बताओ ना, अग्निवीर नहीं रही। ये आप ये बताइए, ये अग्निवीर योजना जो 4 साल के लिए निकाली है, ये सही है या गलत है? ये बहुत ही सही योजना है, मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है। 4 साल के बाद यंग जो पीढ़ी आदमी है, लड़के हैं, उनको सबको रोजगार मिलेगा। अगर 4 साल की, 4 साल की आर्मी की नौकरी मिल रही है और उसको 30 लाख रुपए इकट्ठा मिल रहा है 4 साल बाद, क्या 50 लाख रुपए में कोई काम अपना प्राइवेट नहीं कर सकता? प्राइवेट फील्ड में, बैंकों में, सरकारी बैंकों में, सरकारी नौकरी। अगर भाई इन्होंने, भाई एक बात बोली थी अभी कि, इन्होंने भाई ने अभी एक बात बोली थी कि 4 साल अगर आदमी बॉर्डर पर खड़ा होता है तो 5वें साल में बिक भी सकता है 2 करोड़ में। अगर हमारे देश का आदमी है, हमारे हिंदुस्तान का आदमी है और सच्चा वीर है तो वो कभी बिकेगा नहीं, चाहे 4 साल हो चाहे 100 साल हो, ठीक है? ये जवाब है हमारा। और दूसरी बात सुनो भाई साहब, भारत में पैसे देख के नहीं जाते लोग यार, सुनो मेरी बात। इन्होंने जो बात बोली 4 साल या 100 साल हो, 100 साल में आदमी बिकता नहीं है, आदमी अंदर ईमान होना चाहिए। 4 साल अपनी धरती पे गए, बोले 2 करोड़ में बिक गया, कैसे बिक गया? ईमान होना चाहिए, धर्म होना चाहिए आदमी के अंदर। हमारे भारत की सेना पे काम कर रहा है वो, ऐसे कैसे हो रहा है? जज्बा फौजी का।